अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैम यूनुस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मॉक टेस्ट जिसके अंदर हमारे पास सिलेक्टेड 25 एमसीक्यूज़ हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी किसी वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना ऐसा ही है कि अगर हम एक तरह से प्रिपरेशन करें तो वो हम काफ़ी ज़्यादा हम टेस्ट जो है उनमें अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सब में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होते हैं, एवरीडे साइंस क्वेश्चन के भी होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, इस्लामिक के भी होते हैं, फास्ट स्टडीज़ के भी होते हैं। तो अगर हम अब इस चैनल में या हम कोई भी बुक को स्टडी करेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो हमारी वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में की जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये वीडियो जो स्पेशली है जो कि स्टूडेंट्स तैयारी करें असिस्टेंट डायरेक्टर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिहाज से FPSC की प्रिपरेशन करें या FIA इन्वेस्टिगेशन FPSC की प्रिपरेशन करें या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है ये है असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस FPSC की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। अब आपको स्टूडेंट्स मैं बताता चलूँ कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस FPSC का पेपर होता है उसमें से एवरीडे साइंस के जो है क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की जो वीडियो वो ज़्यादातर एवरीडे साइंस के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन वन हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सोलबल विटामिन। आपने बताना है इसमें से कौन सा जो विटामिन है वो वाटर सोलबल विटामिन है। अब स्टूडेंट्स दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सोलबल विटामिन होते हैं और एक होते हैं हमारे पास फैट सोलबल विटामिन। तो आपने इसमें से बताना है कि वाटर सोलबल विटामिन कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो ये कोई भी जो है वो वाटर सोलबल विटामिन नहीं है। विटामिन ए, डी एंड के जो है ये फैट सोलबल विटामिन है, यानी कि ये जो फैट सोलबल विटामिन होते हैं वो फैट्स के अंदर से इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। तो आपने याद रखा है कि विटामिन जहाँ इकट्ठा अक्सर वर्ड आ जाता है ए डी के, तो ये जितने भी हैं ये फैट सोलबल विटामिन है, तो इसमें से कोई भी जो है वो वाटर सोलबल विटामिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। आपने बताना कि प्रोटीन जो है वो किससे बनी हुई होती है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड, ऑक्सीएसिटाइलिन या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो किस चीज़ से बनी होती है। तो हमारे पास इसका आंसर है पॉलीपेप्टाइड। तो बेसिकली पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनी होती है। लाइक जैसे एक दीवार है वो ईंटों से बनी हुई है, हमारा इंसानी जिस्म है वो सेल से बना हुआ है, इसी तरह प्रोटीन जो है वो किन से बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज। आपने बताया कि ये जो चार आपके पास मैंशनड है इसमें से आपने बताया कि सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो किसमें है। तो हमारे पास ऑप्शन है मैंगो, बेल, पोमेग्रेनेट या ड्राई करोंडा। तो ये जानते हैं कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन जो है वो कौन सा है। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ड्राई करोंडा। तो आपने याद रखना है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन जो है वो है ड्राई करोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्म सेल वाज कॉइंड बाय, यानी कि जो सेल जो मैंने आपको पहले भी मैंशन किया है, तो कि ह्यूमन बॉडी जो है या कोई भी जो एनिमल बॉडी है या प्लांट सेल है, ये प्लांट है, ये सारे जो है सेल से बने हुए, यानी कि एक तरह का ये उनका यूनिट है। तो जो टर्म सेल है ये किसने बताई थी। तो हमारे पास ऑप्शन है शिवान, रॉबर्ट हुक, डी बैन या टैटम। तो ये जानते हैं कि द टर्म सेल वाज कॉइंड बाय, तो इसका आंसर है हमारे पास रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को बारे में बताया और सेल को डिस्कवर्ड किया, तो द टर्म सेल वाज कॉइंड बाय रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी रिमीडिएटेड बाय द यूज ऑफ। अब स्टूडेंट्स कलर ब्लाइंडनेस ये होती है कि हमें डिफरेंट कलर्स के ना हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अब आपके सामने एक पिक्चर भी है, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, अगर तो आप इस पिक्चर के अंदर डिफरेंट कलर्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो आप जो है आपकी आई थी कि आप कलर ब्लाइंड नहीं हो। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि जो कलर ब्लाइंडनेस का जो आपके अंदर डिफेक्ट है उसको हम कैसे रेमिडिएट कर सकते हैं, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। तो डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जो है ना वो इन जितने भी लेंस होते हैं उनसे हम उसको ट्रीट या रिमीडिएट नहीं कर सकते, ना ही कनकेव लेंस से, ना ही कन्वेक्स लेंस से, ना ही सिलिंड्रिकल लेंस से। सो डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट बी रिमीडिएट बाय द यूज ऑफ दीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज। आपने बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज, यानी कि जिस सिरे पे क्लॉक की सुइयां जो है वो रोटेट करती हैं, इसमें से कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है मार्स, जुपिटर, वीनस, मरकरी। तो ये जानते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज। तो हमारे पास इसका आंसर है मरकरी। तो आपने याद रखना है कि मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम टू प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड देयर एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपने ऐसे दो प्लैनेट्स का बताना है जो कि अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो हमारे पास ऑप्शन है अर्थ एंड वीनस, मार्स एंड अर्थ, वीनस एंड यूरेनस या मार्स एंड यूरेनस। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से दो प्लैनेट्स हैं
विच रिवॉल्व अराउंड देयर एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो इसका आंसर है हमारे पास वीनस एंड यूरेनस. तो आपने याद रखना है कि वीनस एंड यूरेनस आर टू प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड देयर एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आवर सन इज क्लासिफाइड एज. अब हमारे सन को ना एक स्पेसिफिकली नेम दिया जाता है. अगर आपने डिफरेंट एग्जाम्स प्रीवियस पास्ट पेपर स्टडी किए होंगे या वैसे नेट पे या किसी बुक्स में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे सन को एक ना स्पेसिफिक नेम दिया जाता है. तो अगर आपको नहीं पता तो इस क्वेश्चन में हमें वो पता चल जाएगा. तो हमारे पास ऑप्शन है अ ब्लू जाइंट, अ येलो ड्वार्फ, सुपरनोवा या नन ऑफ दिस. तो जानते हैं कि आवर सन इज क्लासिफाइड एज अ येलो ड्वार्फ. तो सन जो है उसको एक येलो ड्वार्फ भी कहा जाता है. सो आवर सन इज क्लासिफाइड एज येलो ड्वार्फ. तो ये क्वेश्चन आपने नहीं भूलना. ये क्वेश्चन काफी दफा पूछा गया है और ये वैसे भी नाम ही पूछा जाए तो हमारे नॉलेज में इस चीज होनी चाहिए कि आवर सन इज क्लासिफाइड एज येलो ड्वार्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इको ऑफ बिग बैंग कैन बी हर्ड इन द फॉर्म ऑफ. जो बिग बैंग का इको है वो किस फॉर्म में जो है वो सुना जा सकता है. तो हमारे पास ऑप्शन है कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड रेडिएशन. तो आइए जानते हैं कि इको बिग बैंग जो वो किस फॉर्म में सुना जा सकता है. तो इसका आंसर है हमारे पास माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल. तो आपने याद रखना है द इको ऑफ बिग बैंग कैन बी हर्ड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ शूटिंग स्टार इज. अक्सर आपने टूटा हुआ सितारा देखते हो तो असल में होता क्या है. आज जो है इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चलने जा रहा है. आज से पहले आपने सुना होगा कि वो एक स्टार होता है या क्या होता है. तो आज इस क्वेश्चन में हम जानेंगे एक जो शूटिंग स्टार होता है वो क्या होता है. हमारे पास ऑप्शन है सन, अ कॉमेट, अ मीटियोर या एन एस्टेरॉयड. अब ये जो कॉमेट और मीटियोर होते हैं ये भी हमारे यूनिवर्स के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि होते हैं. अब देखते हैं कि शूटिंग स्टार क्या होता है. तो शूटिंग स्टार बेसिकली जो आप देखते हो कभी या आपने कभी सुना होगा अपने फ्रेंड्स से या अपने बड़ों से कि टूटता हुआ तारा. तो बेसिकली ये शूटिंग स्टार जो होता है वो एक मीटियोर होता है. तो आपने याद रखना है कि अ शूटिंग स्टार इज अ मीटियोर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू. अब आपको पता है कि सन ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट होता है ये, लेकिन इसकी वजह क्या है, जो साइंटिफिकली रीजन है वो क्या है. तो हमारे पास ऑप्शन है शेप ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस या मूवमेंट ऑफ द सन. तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास. तो इसका आंसर हमारे पास रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस. जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करती है. तो जो सन राइज करता है ईस्ट के अंदर और जो है सेट होता है वेस्ट के अंदर, तो वो इस वजह से होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस. तो ये आपने नहीं बोला, यानी कि जो जमीन है अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, इस वजह से सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन बीइंग आर टेकन एज. हमारे पास ऑप्शन है डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स या ऑल ऑफ दिस. यानी कि इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमन बींग्स जो उनको किस तरह से लिया जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर है प्रोड्यूसर्स. बिकॉज आपको पता है ह्यूमन बींग से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है जिससे नस्ल बढ़ती है. तो बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स है उनको इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपको पता है कि नस्ल बढ़ रही है, ठीक है, अगली जनरेशन आ रही है, तो बेसिकली इनको फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन बींग्स आर टेकन एज प्रोड्यूसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Which of the following is both exocrine and endocrine gland? अब स्टूडेंट्स एक होता है exocrine gland होता है, एक endocrine gland होता है. Exocrine जो है outside the जो blood and ducts के अंदर जो है उसकी secretion जाती है, और endocrine जो होता है वो within the ducts यानी कि within the blood उसकी secretion जाती है. तो इसमें से कुछ gland ऐसे हैं जो कि exocrine भी है, exocrine भी है और endocrine भी है. तो हमारे पास different options हैं, thyroid gland, pancreas, parathyroid या all of these. तो ये जाते हैं कि इनमें से कौन सा है जो कि exocrine भी है और endocrine भी है. तो हमारे पास इसका आंसर है pancreas. तो पेंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है. अब पेंक्रियाज का रोल जो है वो आपको और बताता चलूं कि पेंक्रियाज जो है वो इसके अंदर दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागॉन. अब जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जो ग्लूकागॉन होता है वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ाता है. तो इस तरह से एक बैलेंस रहता है. लेकिन जब ये बैलेंस खराब होता है तो हमें डायबिटीज या शुगर हो सकती है कि अगर इंसुलिन जो है वो कम हो गया तो शुगर ज्यादा हो जाएगी. और अगर समटाइम ऐसा होता है कि इंसुलिन ज्यादा हो जाता है और शुगर कम हो जाती है तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, फिर शुगर का लेवल बॉडी के अंदर लो हो जाता है. तो पेंक्रियास का इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि जो वो हमारी शुगर है उसको कंट्रोल रखता है अगर इंसुलिन जो ग्लूकागॉन है वो अपनी एक ऐसी पोजिशन पर है कि वो एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहे. लाइक थोड़ा सा ग्लूकागॉन ज्यादा होता है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, इंसुलिन ज्यादा होता है तो ग्लूकागॉन की जो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है जो कि ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है. तो इस तरह से एक बैलेंस रहता है. लेकिन अगर किसी के अंदर डिफेक्ट होगा तो अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है,
और अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसको हम शुगर या डायबिटीज भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस बाय विच स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इज एडेड इनटू अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल अमाउंट जो है इम्प्योरिटीज की वो किसी एक सेमीकंडक्टर में ऐड की जाती है उसको क्या कहते हैं। तुम्हारे पास ऑप्शन है एडिशन, कंडक्शन, डोपिंग या इंसुलेटिंग। तो ये जानते हैं किसका आंसर के हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास डोपिंग। तो आपने याद रख रहे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज को एक सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड कर दिया जाता है उसको हम कहते हैं डोपिंग। अब स्टूडेंट्स, डोपिंग का एक आपने सुना होगा अक्सर क्रिकेट और फुटबॉलर्स के अंदर भी कि वो स्टेरॉइड्स ले लेते हैं क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो उसको भी डोपिंग कहते हैं, यानी कि वो इम्प्योरिटीज एक तरह की जो कि अलाउड नहीं है उसको ऐड करते हैं। तो इसी तरह अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज को किसी सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टैटी इज अ कंडीशन इन विच पेशेंट लैक्स डिजायर टू। स्टैटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है वो एक चीज की जो उसकी डिजायर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो क्या होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है ड्रिंक, ईट, स्लीप, टॉक। तो ये जाते हैं कि स्टैटी जो है वो कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है वो कौन सी जो उसकी डिजायर है वो लैक हो जाती है, तो वो है ईट। तो आपने याद रखना है कि स्टैटी इज द कंडीशन इन विच द पेशेंट लैक्स डिजायर टू ईट, यानी कि स्टैटी एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें जो खाने पीने की डिजायर है वो जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस ऐसी कंडीशन के अंदर अगर ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई एनिमल है जिसके अंदर खाने पीने की जो डिजायर है वो खत्म हो जाती है तो उसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं स्टैटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विटामिन ए डी ई एंड के आर कॉल्ड एज। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सोलबल विटामिन होता है, एक फैट सोलबल विटामिन होते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसमें क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपको ये चीज क्लियर होगी, होगी पहले क्वेश्चन में भी, लेकिन इस क्वेश्चन को इसलिए डालने का मकसद है कि मुझे क्लियर हो जाए। तो अब ये कह रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है वाटर सोलबल विटामिन, प्राइमरी विटामिन, बेसिक विटामिन या फैट सोलबल विटामिन। तो ये जानते हैं किसका आंसर के हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स फैट सोलबल विटामिन। बाकी जो भी विटामिन होते हैं वो वाटर सोलबल विटामिन होते हैं। और आप याद रखना है ए डी ई एंड के, ये जो विटामिन है चार विटामिन ए डी ई एंड के, ये होते हैं फैट सोलबल विटामिन। इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो होते हैं वाटर सोलबल विटामिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या हाइपरऑक्साइड्स। तो ये जानते हैं किसका आंसर के हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स। तो जितनी भी अल्कली मेटल्स है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड जो है हाइड्रो जो है वो वाटर से है, और जैसे अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बन जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लाइट ईयर इज रिलेटेड टू। अक्सर आपने सुना होगा कि लाइट ईयर जो है वो किसी के साथ रिलेट होता है, तो वो देखते हैं कि किसके साथ रिलेट करता है। हमारे पास ऑप्शन है टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी और स्पीड। तो ये देखते हैं कि लाइट ईयर इज रिलेटेड टू द, हमारे पास इसका आंसर है डिस्टेंस। तो आपने याद रखना है कि लाइट ईयर इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेंसेशन ऑफ स्किन इज परसीव बाय, यानी कि अगर हमें जो स्किन की सेंसेशन है जो हमें पता चलता है कि कुछ चीज टच है, कुछ चीज गर्म या ठंडा लगे, तो वो हमारी कौन सी स्किन की लेयर है जो उसको परसीव करती है, उसको सेंस करती है। तो हमारे पास ऑप्शन है एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोडर्मिस और डर्मिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर के हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑब्वियसली एपिडर्मिस। अब जो एपिडर्मिस होते हैं वो सबसे एक्सटर्नल लेयर जो होती है हमारी स्किन की उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो सेंसेशन होगी वो कौन परसीव करेगी, सबसे एक्सटर्नल लेयर, तो वो उसका होती है एपिडर्मिस। उसकी जो डर्मिस है वो ओवरऑल स्किन को कहते हैं, और जो एंडोडर्मिस होते हैं वो इनर लेयर होती है। तो जो सेंसेशन ऑफ स्किन है वो कहाँ कौन परसीव करेगा, जो सबसे आउटर है एक्सटर्नल लेयर है तो उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इक्वेटर पासेस थ्रू वन ऑफ दिस कंट्रीज। आपने बताया कि इक्वेटर इन कंट्रीज में से पास करता है या नहीं करता। तो हमारे पास ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, इटली, जापान, नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर के हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास नन ऑफ दिस। बेसिकली अगर आप वर्ल्ड मैप को देखिए उसके दरमियान में से एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें और दरमियान में से एक लाइन जा रही होगी जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, तो उसमें ये तीनों कंट्रीज नहीं आती, ना ही सऊदी अरेबिया आता है, ना ही इटली आता है, ना ही जापान आता है। तो इन तीनों कंट्रीज में से किसी में से भी इक्वेटर जो है वो पास नहीं करता। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो कौन सी कंट्रीज है जिसमें से इक्वेटर पास करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, विच ऑफ द प्लैनेट मूव्स स्लोएस्ट अराउंड द सन। आपने बताया कि इन प्लैनेट्स में से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि सूरज के गिर्द बहुत ही ज्यादा स्लो मूव करता है। हमारे पास ऑप्शन है वीनस, मर्करी, जुपिटर या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं किसका आंसर के हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास वीनस। तो आपने याद रखना है कि वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि
सन के इर्द गिर्द जो है वो बहुत ही स्लोएस्ट इनमें से स्लोएस्ट मूव करता है. तो वीनस इज द प्लैनेट विच मूव स्लोएस्ट अराउंड द सन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन इज. आपने बताया कि रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है उनकी जो हाफ लाइफ है या लाइफ स्पैन है जिसके बाद वो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स में ये खत्म हो जाते हैं वो कितने है. तो हमारे पास ऑप्शन है 120 डेज, 125 डेज, 130 डेज या रन ऑफ डेज. तो ये जाते हैं कि इसका आंसर हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 120 डेज. तो आपने याद रखा कि जो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज. ह्यूमन की बात करें तो इंसानों की बात करें तो जो लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल्स का वो है 120 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मच फ्लूइड पर डे अ मैन शुड यूज. कितना फ्लूइड पर डे जो है वो एक इंसान को या एक मर्द को यूज करना चाहिए. तो हमारे पास ऑप्शन है 2.7 लीटर, 3.7 लीटर, 4.7 लीटर या नन ऑफ दिस. तो ये जाते हैं इसका आंसर हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास 3.7 लीटर. तो आपने याद रखना है कि 3.7 लीटर पर डे अ मैन शुड यूज. ठीक है, आप सबको पूछते हैं कि एक इंसान को एक मर्द को कितना फ्लूइड पर डे यूज करना चाहिए. तो वो करना चाहिए 3.7 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विटामिन ए क्रिएट्स विच डिफिशियंसी इन द ह्यूमन बॉडी. आपने बता दें कि विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरत है. अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे क्या चीज जो है वो क्रिएट हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर. तो हमारे पास ऑप्शन है हेयर फॉल, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या नन ऑफ दिस. तो ये जाते हैं इसका आंसर हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस. तो आपने याद रखना कि विटामिन ए की वजह से अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो उससे क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. यानी कि रात को नजर आना जो है वो खत्म हो जाता है. यानी कि रात को जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है चीजों को देखने में. सो विटामिन ए क्रिएट्स, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वेव्स विच आर यूज बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल आर. आपने बताया कि कौन सी वेव्स है जो कि एक टीवी रिमोट कंट्रोल के अंदर यूज होती है. हमारे पास ऑप्शन है इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स या नन ऑफ दिस. तो ये जानते हैं किसका आंसर के हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास इंफ्रारेड वेव. तो आपने याद रख रहा है कि जो टीवी रिमोट कंट्रोल आप यूज करते हैं टीवी को चलाने के लिए, डिफरेंट चैनल्स को चेंज करने के लिए, उसके अंदर जो रेज होती है, जो रेज सिग्नल देती है टीवी को, वो होती है इंफ्रारेड वेव्स. तो आपने याद रखा है ये क्वेश्चन जो है वो आपने बोला नहीं है कि द वेव्स व्हिच आर यूज्ड बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल आर इंफ्रारेड वेव्स. तो ये थी आज की वीडियो. तो अब इसका क्विक सा रिकैप कर लेते हैं. तो क्वेश्चन वन, हमारे पास सम ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सोलबल विटामिन. तो इनमें से कोई भी नहीं है. प्रोटीन आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज ट्राई कैरोटा. द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक. द इफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी रिमेडिएटेड बाय द यूज ऑफ नन ऑफ दिस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज. मरकरी. नेम टू प्लैनेट्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. यूरेनस एंड यूरेनस. आवर सन इज क्लासिफाइड एज येलो ड्वार्फ. द इको ऑफ बिग बैंग कैन बी हर्ड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल. अ शूटिंग स्टार इज अ मेटियोर. Sun rises in the east and sets in the west due to the rotation of Earth around its axis. From ecological point of view, human beings are taken as producers. Which of the following is both exocrine and endocrine gland? Pancreas. The process by which small amount of impurities is added into a semiconductor is called doping. State is the condition in which patient lack desire to eat. Vitamin A, D, E and K are called as fat-soluble vitamins. All alkali matters react with water to form hydroxides. Nitrate is related to the distress. The sensation of skin is perceived by epidermis. Equator passes through one of these countries, none of these. Which of the planet moves slowest around the sun? Venus. The lifespan of red blood cells in human body is 120 days. How much food per day a man should use? 3.7 liters. Vitamin A creates which deficiency in the human body? Night blindness. The waves which are used by the TV remote control are infrared waves. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव यूजफुल है. इसी तरह की वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मिलती रहे. तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए. वस्सलाम.